हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना। तो अगर आप लोगों को कक्षा 9 के हिंदी विषय की पाठ योजना बनानी है तो आप आज की पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को आज एक अच्छे प्रकरण के ऊपर आप लोगों को पाठ योजना देखने का मौका मिल रहा है। तो अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि यह वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही पाठ योजना की वीडियोज़ हों, चाहे जिस क्लास की, किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आप लोगों को पाठ योजना देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी पाठ योजना की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर पूरी पाठ योजना आप लोगों तक बना के पहुँचा दूंगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए ये आपने जो रिक्वेस्ट की थी जिस पाठ योजना की वो बन गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा गया पाठ योजना संख्या 29। यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे टॉप में तो पाठ योजना संख्या 29 लिखा गया है। इसका मतलब है कि आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे इस पाठ योजना को लेके 29 पाठ योजनाएँ 29 पाठ योजनाएँ हिंदी विषय की आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर सभी सब्जेक्टों का मिला दें तो आपको 200 से ज़्यादा पाठ योजनाएँ आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी विषय का 29 पाठ योजनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे हिंदी पाठ योजना की प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाएंगे तो आपको 29 लेसन प्लान्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। क्लास हमारी है, कक्षा है 9वीं, वर्ग है अ, विषय है हिंदी का, उप विषय है गद्य, कालांश है द्वितीय, अवधि है 40 मिनट का और दिनांक यहाँ पर लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में ये पाठ योजना पढ़ाई थी क्लास में। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है दो बैलों की कथा। हमारा जो आज का टॉपिक है दो बैलों की कथा, कक्षा 9 का ये अध्याय है हिंदी विषय का, दो बैलों की कथा। इसके बाद हमारा सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने विषय को पढ़ाने से, अपना जो विषय आपका है हिंदी विषय, इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में यहाँ पर सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को हिंदी विषय की जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों का हिंदी कहानियों के माध्यम से मानसिक विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों के हिंदी शब्दकोश में वृद्धि करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को शुद्ध भाषा रचना का ज्ञान प्रदान करना। तो सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट है। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है दो बैलों की कथा, इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। तो पहला पॉइंट है इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है छात्र दो बैलों की कथा नामक कहानी से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र इस कहानी के माध्यम से जीवों के आपसी प्रेम को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र इस कहानी में लेखक के भाव को जान सकेंगे। और उसके बाद अगला हेडिंग आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देख लीजिए लिखा गया, जो आप जिन जिन चीज़ों की सहायता आप शिक्षण कार्य के टाइम पर लेंगे, 40 मिनट की क्लास में जिन जिन सामग्रियों की सहायता आप लेंगे वो सभी यहाँ पे सामग्रियों को लिखना होता है सहायक सामग्री के अंतर्गत। इसमें देख लीजिए लिखा गया चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, चार्ट आदि। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्रों को खेती तथा किसानों के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान हो गया। अब आता है हमारा लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को बनाने में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को होनी चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय 2-3 चीज़ें की बातों की ध्यान रखा करिए आप लोग। पहला कि इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे आपका दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा, इसी तरीके से होता है। और कम से कम दूसरी बात इसमें जो ध्यान देने वाली है, कम से कम आपको इसमें 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ठीक है, 3 कॉलम बना है यहाँ पे, 3 कॉलम बनाना होता है जो इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, 3 कॉलम का होता है। काफ़ी लोग 2 कॉलम ही बनाते हैं, यानी कि क्रम संख्या वाले कॉलम को हटा देते हैं वो लोग, क्रम संख्या छात्राध्यापक वाले में ही नंबरिंग कर देते हैं वो लोग। लेकिन स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, क्रम संख्या छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया और लास्ट में 3rd कॉलम में छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है किसान अनाज कहाँ उगाता है, तो बच्चे बता देंगे खेतों में। दूसरा प्रश्न फिर है किसान खेतों को कैसे जोतता है, तो यहाँ पर बच्चे बता देंगे हल के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के द्वारा। तीसरा प्रश्न है हल को साधारणतः कौन खींचता है, तो बच्चे बता देंगे हल को साधारणतः बैल खींचते हैं, कहीं कहीं पे अन्य जानवर से भी हल चलाया जाता है लेकिन ज़्यादातर लोग बैलों से ही हल चलाते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है
आपकी कक्षा में हिंदी विषय में बैल से संबंधित कहानी का नाम बताओ, यानी कि जो आपकी कक्षा है उसमें जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी विषय, उसमें बैलों से संबंधित कोई कहानी है उसका, उस चैप्टर का नाम बताओ, तो बच्चे बता देंगे आपकी क्लास में। ये जो आंसर मिलना, जो संभावना मिलती है आंसर मिलने की, वो एक बच्चे से नहीं होती है। आपकी क्लास में 15, 20, 25 जो भी बच्चे हैं उनसे अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी से पूरी क्लास से पूछेंगे, तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा इतना तो जानकार होगा कि वो आपका आंसर दे देगा। ठीक है, जब उनको आप इतना हिंट दे देंगे कि आपकी जो कक्षा है, क्लास है, क्लास 9th, उसमें हिंदी विषय में कोई ऐसी कहानी जो बैलों से संबंधित है, तो बच्चे बता देंगे दो बैलों की कथा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछे समस्यात्मक, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो ये समस्यात्मक जैसे ही होगा आप अपना यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में आप बोलेंगे, छात्रों में आज मैं आप लोगों को दो बैलों की कथा नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन कराऊंगा। ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। उसके बाद आता है हेडिंग हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब यानी कि अब इस चीज़ को प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पता चल गया है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि अब इस चीज़ को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 5 कॉलम बनाना होता है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा यहाँ पे कॉलम है छात्र क्रिया, फिर शिक्षण विधियाँ और लास्ट में श्यामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लेखक परिचय दे लेते हैं। यहाँ पे लेखक परिचय शिक्षण बिंदु है। छात्राध्यापक क्रिया में लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र, जन्म इनका हुआ था 31 जुलाई 1880 को, मृत्यु हुई थी इनकी 8 अक्टूबर 1936 को, जन्म स्थान है लम्ही, काफ़ी लोग इसको लम्ही कहते हैं और लम्ही दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इसका, जो कि बनारस में है, वाराणसी में। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शिक्षण विधि में लिखिए स्पष्टीकरण विधि और श्यामपट पर भी आप लेखक परिचय लिख दीजिए, वही सारी चीज़ें। नाम मुंशी प्रेमचंद्र, गाँव है आपका लम्ही, जन्म हुआ इनका 1880 में, मृत्यु 1936 में। अब इसके बाद आदर्श वाचन आता है, यानी कि छात्राध्यापक यहाँ पे आदर्श वाचन करेगा। देख लीजिए लिखा गया, छात्राध्यापक पाठ का उचित लय के साथ आदर्श वाचन करेगा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। अब कहानी को पढ़ रहा है, जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना होता है तो उसे गधे से संबोधित करते हैं, । उसके बाद छात्र वाले कॉलम में लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए शिक्षण विधियों में। इसके बाद अगले कॉलम यहाँ पे हेडिंग में लिखिए अनुकरण वाचन, यानी कि बच्चे उसका अनुकरण करेंगे अब शिक्षक का। छात्राध्यापक छात्रों को उचित यति गति आरोह अवरोह पूर्वक इस कहानी को का अनुकरण वाचन का निर्देश देगा, तो बच्चे इसका अनुकरण करेंगे उचित लय गति से। देख लीजिए लिखा गया, छात्र इस कहानी का उचित यति गति के साथ अनुकरण वाचन करेंगे। स्पष्टीकरण विधि थी तो स्पष्टीकरण विधि लिख दीजिए। अगला शिक्षण बिंदु में कॉलम है, यहाँ पे हेडिंग है अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखना है, छात्राध्यापक छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन के समय की गई अशुद्धियों को छात्रों की सहायता से श्यामपट पर शुद्ध करवाएगा। छात्र शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे। शुद्ध वाचन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे श्यामपट वाले कॉलम में लिखना है अशुद्ध - शुद्ध। अशुद्ध यहाँ पे माजिर, इसको शुद्ध पढ़ते हैं माहिर। अशुद्ध है अधिकार और यहाँ पे अशुद्ध उसको पढ़ते हैं अधिकार। अशुद्ध है चुंगल, यहाँ पे लिखा गया शुद्ध होगा इसका चंगुल। अशुद्ध यहाँ पे रोचक, यहाँ पे इसका शुद्ध है रोचक। ठीक है, काठिन्य निवारण शब्द है यहाँ पे, काठिन्य निवारण शब्द में इसमें छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखना, छात्राध्यापक इन कहानियों में आए हुए कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखकर छात्रों को अर्थ समझाएगा। छात्र अपने अभ्यास पुस्तिका में कठिन शब्दों के को लिखेंगे। कठिन शब्द है यहाँ पे देख लीजिए, सांकेतिक यानी कि उसको कहेंगे इशारा करना, मालिक यानी कि स्वामी, परोपकार यानी कि भलाई। इसके अलावा भी आपको अगर लगे कि और कुछ कठिन शब्द हैं तो उसको भी यहाँ पे अर्थ बता सकते हैं बच्चों को। लास्ट में आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में कम से कम 1 से 2 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया अभी तक चैप्टर में वो समझ में आया कि नहीं से समझ में आया। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है दो बैलों की कथा किसकी रचना है, तो बच्चे बता देंगे मुंशी प्रेमचंद्र की। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, इस कहानी में दो बैलों के नाम क्या हैं, तो बच्चे बता देंगे हीरा और मोती। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अब आता है प्रस्तुत यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है मालिक द्वारा दोनों बैलों को कहाँ भेजा गया। आप पढ़ाए रहेंगे तो तभी उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, नहीं पढ़ाए रहेंगे तो नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए डिटेल में पढ़ाइए इस चैप्टर को। दूसरा प्रश्न है हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध था। अब लास्ट में आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद, क्योंकि बच्चे जब घर पर जाएंगे तो अगर आप उस चीज़ में होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चे उस घर पर जाके, कुछ ही बच्चे होते हैं जो रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं उस चीज़ को, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे नहीं रिविजन करते हैं। तो होमवर्क देने से यही फायदा होता है कि बच्चे घर पर जाके ज़्यादातर बच्चे रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का, उस चैप्टर को लिखेंगे, देखेंगे एक बार, तो उनको अच्छे तरीके से उस चैप्टर को याद करने का मौका प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, गृह कार्य में दिया गया, छात्रों इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिख के ले आना है। तो गृह कार्य के साथ आप सभी को पता है कि हमारा लास्ट हेडिंग होता है लेसन प्लान का गृह कार्य। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है।
अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।